हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम बात करते हैं कि जो एनडीए की पाथफाइंडर है, क्या वो एनडीए एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दूंगा। फ्रेंड्स, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था एनडीए का, तो मैंने भी पाथफाइंडर को ही फॉलो किया था। तो फ्रेंड्स, जो पाथफाइंडर है उसमें आपका सारा सिलेबस कंप्लीट दिया गया है। और फ्रेंड्स, जो मैथ्स का लेवल है पाथफाइंडर में, मैथ्स का लेवल जो है वो थोड़े थोड़े एनडीए के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े थोड़े अच्छे लेवल के हैं। मतलब मैं कहूँगा ऑन एन एवरेज से और एवरेज से ऊपर ही लेवल के हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगा कि अगर 11th 12th में अगर आप एवरेज हो, तो अगर एवरेज से आप ऊपर हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आप पाथफाइंडर से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपका 11th 12th में अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले 11th 12th की एनसीईआरटी कीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप आरएस अग्रवाल भी एनडीए की जो आती है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप पाथफाइंडर पे आ सकते हो, क्योंकि बेसिक्स क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी से हमारा एनडीए एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बेसिक अच्छा है, तो आप पाथफाइंडर लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप रिवीजन भी करिए पाथफाइंडर का, क्योंकि पाथफाइंडर का लेवल अच्छा है और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं मैथ्स के, इंग्लिश के और बाकी जीएटी पोर्शन के भी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में आपको अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एंटोनम्स सोनोनम्स पूछता है, 10 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन हो गए, बहुत वेटेज हो जाता है इसका। तो फ्रेंड्स, आप अपनी वोकेबलरी इंप्रूव कीजिए इंग्लिश के लिए, बाकी आप पाथफाइंडर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, रीअरेंज वर्ड्स जो एरर वगैरह आते हैं वो आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं साइंस लेवल की। जो साइंस लेवल होता है वो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, और आपका बायोलॉजी पाथफाइंडर में आपका सफिशिएंट दिया गया, आप उसे पढ़ लीजिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जो पाथफाइंडर में दिया गया है मैं कहूँगा आप वो पढ़ लीजिए, वो काफ़ी है आपके लिए। और फ्रेंड्स, आप बात करते हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर हम कंपेयर करें इसका सीडीएस लेवल के एग्ज़ाम से, तो जो सीडीएस लेवल में जो एग्ज़ाम होता है वो मतलब जो ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री इसमें काफ़ी डीप जाके पूछता है, लेकिन इधर जो है आपका वो काफ़ी ऊपर ऊपर से ही पूछ लेता है। मतलब आपका वो ये देखता है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ठीक है, आपका मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है ऊपर ऊपर से ही। तो बेसिक्स का अगर आपका क्लियर है, मतलब जैसे कि एनडीए में जो पाथफाइंडर में जो दिया गया है, अगर आप उसे पढ़ लोगे और उसके बाद रिवीजन कर लोगे, तो मैं कहूँगा वो आपके लिए सफिशिएंट है। और फ्रेंड्स, मैंने इंग्लिश में भी बताया आपको, इंग्लिश के लिए भी सफिशिएंट है आपकी पाथफाइंडर, प्लस आपको रीडिंग भी करनी है, रीडिंग आपकी वोकेबलरी इंप्रूव करेगा। और फ्रेंड्स, बात करते हैं हम करेंट अफेयर्स की। करेंट अफेयर्स में होता ये है कि आपका अच्छा खासा वेटेज होता है उसका। आप अगर कोई भी मंथली मैगजीन खरीद सकते हो करेंट अफेयर्स के लिए, उससे आपको होगा ये कि आपकी रीडिंग भी होगी और आपके करंट अफेयर्स भी होंगे, मतलब उससे आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी रीडिंग के थ्रू। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा आप करंट अफेयर्स देख लीजिए, कोई भी मंथली मैगजीन परचेज कर लिए, उससे आप पढ़िए। और फ्रेंड्स, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में अक्सर होता यह है कि जैसा कि आप देख सकते हो मैप लगा हुआ है पीछे इंडिया का और वर्ल्ड का भी है, तो फ्रेंड्स ज्योग्राफी में मतलब मैप से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, मतलब ज्योग्राफी में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं मैप से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आप भी मैप परचेज़ कर लीजिए, उसमें आपको मतलब पूरा एरिया वाइज सब कुछ पता पड़ जाएगा कैसा क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कहूँगा कि आपको मैप कर लीजिए। और हिस्ट्री में भी आप देखते हो कि क्वेश्चंस कैसे पूछता है, कि जो सत्यशोधक समाज है वो कब फाउंड हुआ था, किसने फाउंड किया था, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। और इकोनॉमिक्स भी आप देख सकते हो पाथफाइंडर में, वो भी अच्छी दी गई है इकोनॉमिक्स। और फ्रेंड्स, आपके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने एक बार पाथफाइंडर कर ली है पूरी, तो आपके लिए रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और रिवीजन के साथ साथ आपको मैथ्स का मॉक टेस्ट भी देना है। एक एक तो आप मॉक टेस्ट लगाइए मैथ्स के, अगर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, तो मैथ्स का मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो मैंने जो फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था वो मैंने मॉक टेस्ट एक भी नहीं लगाए थे मैथ्स के, जिस वजह से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहूँगा मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए आप मैथ्स का एग्ज़ाम हो जाए तो। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाकी मैंने NDA 2023 एग्ज़ाम से रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई है, मतलब उसकी कब एज क्या है, लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है, डेट्स कब क्या क्या इंपॉर्टेंट है,
तो आप लोग देख सकते हो वो वीडियो को, और फ्रेंड्स शेयर कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए मेरी वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।